दिस लेक्चर नंबर ऑफ सर्कुलर मोशन और इस पार्ट में हम बेसिकली ये लास्ट लेक्चर होगा सर्कुलर मोशन का और इस पार्ट में जो हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था उसी वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे कुछ कॉन्सेप्ट और सीखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे एंड फाइनली इन दिस लेक् टू कम्प्लीट सर्कुलर मोशन देखिए एक बार अगर हम ओवर व्यू एक बार अगर हम रिवाइज करें समराइज करें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवाते हैं तो अगर हमें सर्कल कंप्लीट करना होता है लिमिटिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं कि सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए मिनिमम मिनिमम वेलोसिटी चाहिए टू कंप्लीट द सर्कल जस्ट कंप्लीट द सर्कल वो चाहिए √5rg डन टॉप पे वेलोसिटी चाहिए रूट अंडर आर जी और मैंने आपको बताया था कि यहां लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होता है हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होता है और लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच का जो वेलोसिटी का डिफरेंस आता है वो आता है रूट आ, फोर आर जी और टेंशन का डिफरेंस आता है सिक्स एम जी के बराबर वो हमने बात किया था डन मिड पॉइंट पे वेलोसिटी होता है रूट अंडर थ्री आर जी इसका डिफरेंस होता है कितना इसका डिफरेंस होता है टू आर जी और लोएस्ट से मिड पॉइंट पे इसका डिफरेंस होता है टू आर जी दोनों के बीच का टेंशन का डिफरेंस सिक्स एम जी और मिड से हाईएस्ट पॉइंट थ्री एम जी और लोएस्ट से मिड पॉइंट थ्री एम का टेंशन का डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए एंड दीज जहां हम बात करते हैं जस्ट कंप्लीटिंग दर्कल का केस जो हम लेते हैं जैसे एक क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक स्ट्रिंग uh, से हमने एक बॉल को कनेक्ट किया है और यहां से हमने रिलीज किया इसको हॉरिजेंटल पोजिशन से हमने इसको रिलीज किया है हॉरिजेंटल पोजिशन से हमने इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि इस बॉल को कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा यहां पे ताकि ये बॉल जो है हॉरिजेंटल हो जाए और इसका स्पीड जीरो हो जाए ये क्वेश्चन आपसे पूछा है देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहां पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक ही फोर्स का वर्कडन हम कंसीडर करते हैं वो है ग्रेविटी का वर्गडन और ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है एंड सिंस ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम लोएस्ट पॉइंट का और यहां पे हम इसको रेफरेंस ले रहे हैं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे अगर हम क्या करते हैं जो आपका वेलोसिटी है अगर आप वेलोसिटी रूट अंडर फाइव आर जी देते हैं तो वो पार्टिकल कंप्लीट करेगा सर्कल को लेकिन क्या हो कि वेलोसिटी रूट अंडर फाइव आर जी से कम है लेकिन रूट अंडर टू आर जी से ज्यादा है डन क्योंकि रूट अंडर टू आर जी जब आप वेलोसिटी देते हैं अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पॉइंट से हॉरिजॉन्टल पे जाता है रूट अंडर टू आर जी रूट अंडर फाइव आर जी देंगे तो वेलोसिटी जो पार्टिकल है वो कंप्लीट करेगा सर्कल को लेकिन वेलोसिटी अगर इन दोनों के बीच में है तब क्या होगा पार्टिकल हॉरिजॉन्टल तक तो पहुंचेगा लेकिन अब जो होगा टेंशन जीरो हो जाएगा तो पार्टिकल जो होगा इस कंप्लीट सर्कल को नहीं सर्कल में नहीं घूमेगा वो अपना दूसरा एक पाथ फॉलो करेगा यानी कि जो टेंशन हो जाएगा रोप में दैट टेंशन बी जीरो एंड इफ द द टेंशन इन रोप विल बी जीरो देन पार्टिकल विल नॉट कंप्लीट द सर्कल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ वेलोसिटी इज लेस देन रूट अंडर फाइव आर बट ग्रेटर रूट अंडर टू आर राइट So, अगर हम बात करते हैं कंडीशन फॉर नॉट कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो ये हो जाएगा वेलोसिटी रूट अंडर इतना बट ग्रेटर देन टू आर जी अगर वेलोसिटी रूट अंडर आर जी के बराबर आएगा जो हमने लास्ट केस में पढ़ा था तो जो पार्टिकल है वो लोएस्ट पॉइंट से हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे जाएगा और यहाँ वेलोसिटी टेंशन दोनों जीरो और ऑसिलेशन होगा सेमी सर्कल में डन यानी कि अगर वेलोसिटी इससे छोटा है इससे बड़ा है तो टेंशन बिकम जीरो एट मिड पॉइंट एंड टॉप पार्टिकल सर्कल बट कीप्स मूविंग अराउंड सेंटर लाइक अ प्रोजेक्टाइल डन और अगर वेलोसिटी से भी कम हो गया तो अगर 2RG है तो पार्टिकल जो होगा सेमी सर्कल में अगर लेकिन 200, एंगल थीटा मान लेते हैं एंगल थीटा बना के घूमेगा तो यहां पे आप वापस से एम जी ड्रॉ करिएगा एम जी का ये कॉम्पोनेंट एम जी कॉस् थीटा क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा होगा और अंदर की तरफ टेंशन लगेगा तो अगर हम नेट सेंट्रपिटल फोर्स की बात करें तो टेंशन माइनस एम जी कॉस्टा सिंस पार्टिकल जो है रेस्ट पे है यहाँ पे तो टेंशन विल बी इक्वल टू एम जी कॉस्ट थीटा और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा क्योंकि पार्टिकल आर्क में घूमेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आपको बोला है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है आपके पास स्मॉल है इसको हम टाई किए हैं एक कि स्ट्रिंग से जिसका लेंथ है एल तो बेसिकली एल लेंथ का अगर आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन घुमाइएगा तो जो सर्कल का रेडियस होगा वो रोप के के बराबर होगा तो L के जगह पे हम आर ले लेते हैं टन? अच्छा ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रेशियो, रेशियो है है आपसे पूछा फाइन मैक्सिमम मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल अब आप देखिए आपको टी टी मीन का रेशियो है और आपको पता है टी मैक्स माइनस टी मीन जो होता है यानी कि मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का जो डिफरेंस होता है वो सिक्स एम के बराबर होता है ऑलवेज ऑलवेज अगर जस्ट अबाउट टू कंप्लीट द सर्कल की केस की बात करते हैं डन तो यहां पे देखिए हम टी मैक्स को लिख सकते हैं इसको इधर लेके आइए सिक्स एमजी प्लस टी मीन तो यहां टी मैक्स की जगह पे ये रखिए तो इसको सॉल्व करिएगा क्लियरली आप देख सकते हैं यहां से टी मिनिमम आ जाएगा यस और नो फिर टी मिनिमम को क्या करिए यहां रख दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा टी मैक्सिमम आ जाएगा और मैंने आपको बताया था कि अगर ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो यहां लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम आएगा और उसका मैंने आपको बताया था फॉर्मूला याद रखने के लिए एम वी लोअर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एम जी डन यानी कि टी मैक्स को हम लिखते हैं एम वी लोअर लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एम जी तो यहां पर टी मैक्स डालिएगा एम को इधर लेके आइएगा तो आपके पास लोएस्ट पॉइंट का वेलॉसिटी आ जाएगा इतना डन सिमिलरली मिनिमम जो आता है, वो पे आता है है वो पॉइंट पे और उसका वैल्यू होता है एम टॉप का स्क्वायर वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एम डन तो यहां टी मिनिमम रखिएगा तो आपके पास दोनों वेलोसिटी आएगा दोनों का रेशियो ले लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आपको बोला कि एक पार्टिकल है जिसका मास जो है आपके पास वन के गिवन है और स्ट्रिंग से कनेक्टेड स्ट्रिंग का लेंथ आपके पास टू मीटर है तो यही आपके पास के बराबर है क्योंकि जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जाएगा तो जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा वही रेडियस ऑफ सर्कल होगा यस और नो और आपको बोला है कि जो मैक्सिमम टेंशन है वो सिक्सटी न्यूटन है और आपको बोला कि मैक्सिमम टेंशन सिक्सटी न्यूटन है और जब पार्टिकल यहां से हॉरिजेंटल हो जाता है तो स्ट्रिंग जो होता है तो पार्टिकल जैसे ही स्ट्रिंग ब्रेक हुआ तो पार्टिकल अब ऐसे मूव करेगा तो आपसे पूछा है कि पार्टिकल कितना हाइट अटेंड किया और नो अब आप ध्यान से से सुनिए यहां 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 पे पार्टिकल जब यहां से यहां गया टी मैक्सिमम आपको गिवन है आपको पता है टी मैक्सिमम यहां पे होता है लोएस्ट पॉइंट पे और टी मैक्सिमम का फॉर्मुला होता है एम बी स्क्र प्लस एमसी और यहां हैं लोएस्ट पॉइंट का डन तो टी मैक्स आपको गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं यहां से लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आएगा टेन मीटर पर सेकेंड यस और नो और फिर आप क्या करिए पार्टिकल का यहां पर जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक कर जाता है स्ट्रिंग क्या होता है ब्रेक कर जाता है तो अगर आप थर्ड मोशन यूज करते हैं स्ट्रिंग ब्रेक करेगा पार्टिकल अब फ्लाई करेगा और फाइनली पार्टिकल मान लेते हैं इस डिस्टेंस पे जाकर के इस डिस्टेंस पे जाकर पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना था दस मीटर पर सेकेंड तो आप थर्ड इक्वेशन लगाइए फाइनल से यहां से यहां पांच मीटर ऊपर गया यहाँ से क्योंकि यहां से यहां तक लगाए थे थर्ड इक्वेशन तो यहां से यहाँ, 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 तो यहाँ, यहाँ पांच मीटर गया तो बताइए लोएस्ट पॉइंट से कितना ऊपर गया पांच माइनस दो यानी कि तीन मीटर गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपको बोला कि एक पार्टिकल है जिसका मास एम है और इसको हम टाई करते हैं एक लाइट रॉड से अब यहां स्ट्रिंग नहीं है एक लाइट रॉड है और और आपको बताना है कि अगर कंप्लीट सर्कल हमें करवाना है कंप्लीट सर्कुलर मोशन करवाना है सर्कुलर मोशन कंप्लीट करवाना है पार्टिकल से तो कंडीशन बताइए अब देखिए आपके पास रॉड है स्ट्रिंग नहीं है जब स्ट्रिंग होता है तब हम टेंशन की बात करते हैं पर ये जो रॉड है एक रिजिड बॉडी है और अगर ये रॉड एक रिजिड बॉडी है तो इसके सारे पार्टिकल जो होंगे तो, तो, तो हम यहां जो कंडीशन अप्लाई करेंगे वो कराएंगे कि अगर टॉप पे वेलोसिटी जीरो लेंगे टू कंप्लीट द सर्कल वेलोसिटी एट टॉप शुड बी जीरो क्योंकि पार्टिकल अगर मान लेते हैं ये लाइट रॉड है

पोटेंशियल एनर्जी होगा एमजी टू आर तो यहां से वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट आ गया इतना तो ये जो केस है ये लाइट रॉड का है सेम यही केस क्या होता है आपसे पूछता है कि एक रिंग जो है वो यहाँ पे एक 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 रिंग जो है छोटा सा सर्कुलर रिंग है वो एक रॉड के साथ उसको हम नीचे से फेंकते हैं तो सेम यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आएगा फोर रूट अंडर फोर आर जी टू कंप्लीट द सर्कल सिमिलरली आपसे बोलता है कि एक बॉल को हमने ट्यूब में फेंका है

कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगाइए और यहाँ का वेलोसिटी पता करिए तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ यहां से रिलीज किए तो इनिशियल इनिशियल एनर्जी होगा निकालना है, और यहां पे माने तो जीरो लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी आ गया रूट अंडर टू जी एच ये हाइट एच लेते हैं और यहाँ पे होना कितना चाहिए रूट अंडर फाइव आर जी दोनों को आप इक्वेट करिएगा दोनों को इक्वेट करिएगा तो हाइट में और जो रेडियस है उसमें रिलेशन आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि इसमें आपको इसमें आपसे पूछ बोला है कि एक हाइट से हम क्या करते हैं एक पार्टिकल को रिलीज करते हैं ब्लॉक को रिलीज करते हैं ये पार्टिकल जब इस सर्कल में जाएगा सर्कल में जाएगा तो जो टॉप पॉइंट है वहां पे वहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन है वो उसके वेट के बराबर है इस पार्टिकल का मास है एम तो वेट होगा एम जी तो नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर है तो आपसे पूछा है कि कितने हाइट से इस पार्टिकल को रिलीज करें डन अच्छा ध्यान से देखिए टॉप पे टॉप पे क्या होगा जब भी आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवाते हैं तो टॉप पे टेंशन मिनिमम होता है और जो केस टेंशन का होगा अगर हम स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट करते वही नॉर्मल के साथ होगा तो नॉर्मल और टेंशन को आपको इक्वेट करके चलना है दोनों को सेम मान के चलना है तो देखिए टॉप पॉइंट पे क्या होगा नॉर्मल मिनिमम होगा फॉर्मूलाइए तो, तो टॉप पे वेलॉसिटी आ जाएगा आपके पास रूट अंडर टू आर जी टॉप पे वेलोसिटी आ जाएगा रूट अंडर टू आर जी डन अब आप देखिए अब आप क्या करिए और पार्टिकल जब यहां पे पहुंचा तो यहां से कुछ डिस्टेंस को कवर किया डन तो यहां से क्या करिए आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाइए डन तो अगर हम मान लेते हैं कि इसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं इसको रेफरेंस पॉइंट तो यहां पे जो काटिक uh, एनर्जी होगा हाफ एम वी और यहां पे टॉप पे वेलोसिटी निकाल चुके हैं इतना इनिशियल यहां पे रेफरेंस लेते हैं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा और फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी होगा एम जी एक्स के बराबर होगा तो यहां से देखिए एक्स आर के बराबर होगा तो ये हाइट लिख सकते हैं आर आर प्लस आर यानी कि हाइट जो होगा थ्री आर के बराबर होगा